లోక్సభలో కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకా ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. एक मॉडल कानून बनाया और सभी राज्यों को एडवाइजरी के रूप में भेजा. मुझे आनंद है कि बंगाल और केरल छोड़कर सभी राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया और आज देश भर के पैक्स एक ही कानून से मान्यवर चल रहे हैं. पैक्स अब डेयरी भी बन पाएंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति भी बन पाएंगे और पैक्स ढेर सारे काम करेंगे. माननीय अध्यक्ष जी, हमने अब एफपीओ जो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी और प्रोप्राइटरशिप तक सीमित था, अब पैक्स एफपीओ का भी काम करेगा और 1100 पैक्स एफपीओ के नाम से रजिस्टर हो चुके हैं. माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने एक प्रकार से 13 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया है. ढेर सारे सिलेंडर देने के कारण बहुत सारी वितरण करने वाली संस्थाओं की जरूरत खड़ी हुई है. अब पैक्स नए बायलॉज के हिसाब से एलपीजी का वितरण का काम भी पैक्स कर पाएंगे. माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी देश के 60 करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. इस रिटेल आउटलेट पर भी अब पैक्स का अधिकार होगा और पैक्स रिटेल आउटलेट. माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों के लिए जेनरिक दवाइयों के दुकानें खोली है, जिसको जन औषधि केंद्र के नाम से पूरा देश जानता है. ये जन औषधि केंद्र पहले पैक्स नहीं चला पाते थे, अब पैक्स जन औषधि केंद्र भी चला पाएंगे. माननीय अध्यक्ष जी, रुपए क्रेडिट कार्ड पहले पैक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं था, अब विगत महीने जो निर्णय हुआ है इससे रुपए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पैक्स के मेंबरों को दिए जाएंगे. माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए हर घर में नल से जल का कार्यक्रम किया है. नल से जल तो पहुंचाएंगे, मगर ये यंत्रणा को अगर नियमित रूप से कोई मेंटेन नहीं करता है तो जल आपूर्ति आबाद तरीके से नहीं चल सकती है. जल आपूर्ति को आबाद तरीके से चलाना है तो पानी समिति चाहिए जो गांव की पानी की वितरण की व्यवस्था को मेंटेन करे. अब पैक्स ये पानी समिति बनकर वितरण व्यवस्था का भी काम करेंगे. माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ पैक्स को हमने एक भंडारण क्षमता के साथ जोड़ने का भी काम किया है और पैक्स अब भंडारण का भी काम करेंगे. जो एफसीआई किराए पर लेगी तो गांव का अनाज गांव में ही भंडारण होगा और गांव में ही गरीब के घर में बिकेगा. तो इससे पैक्स को एक नए प्रकार की इनकम का फायदा होने वाला है. माननीय अध्यक्ष जी, गत बजट में मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मोदी जी ने सालों से सहकारिता के साथ अन्याय होता था, कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट दो टैक्स अलग थे. मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने गत बजट में सहकारिता समितियां और कॉर्पोरेट कंपनियों के टैक्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है.